गाइस दिस इज एंचल यादव ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अभी मस्त हूँ। गाइस तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और गाइस अभी हमारे गांव में इतनी ठंडी हो रही है, गांव में ही नहीं पूरे इंडिया में ही ठंडी हो रही है। इतनी ठंडी हो रही है कि कश्मीर वाली फीलिंग्स आ रही है अपने गाँव में ही। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज चलते हैं टिबुल की तरफ और मस्त वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। और फॉग भी चारों तरफ हुआ ही हुआ है, चारों तरफ सीत ही सीत हो रखी है, कोहरा कोहरा। चलते हैं गाइस, थोड़ा घूम लेते हैं। तो थोड़ा मम्मी के लिए पानी गर्म कर देता हूँ, मम्मी साथ स्नान करेंगी। तो बोर्ड निकालता हूँ और पानी गर्म करने के लिए तो बोर्ड निकाल करके आ रहा हूँ। देखो गाइस मम्मी पानी भर करके बोल दी मेरे को बाल्टी में, तो इस बोर्ड को बाहर करना पड़ेगा ना इसको लगाने के लिए। तो चलो गाइस पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद से फटाक से जैकेट पहनूंगा और निकल जाऊंगा टेबल की तरफ। पानी गर्म होने को लगा दिया और मैं भी जैकेट पहन करके, ये देखो बोरा वाला जैकेट है ये, और मोफलर लगा ली हूँ कान में। और गाइस अभी चलते हैं टिबुल की तरफ, हवा बह रहा है अभी मस्त, एकदम ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही हैं। चलते हैं गाइस खेत में और दिखाता हूँ व्यू उधर कैसा है, कोहरा है चारों तरफ, सीधी सीधे चलो गाइस। तो आ गए अपने खेत की तरफ और ये देखो अभी ओला पड़ रहा है, चेहरे पर लग रहा है थोड़ा 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 बारिश हो रहा है, इस टाइप का ओला पड़ रहा है मस्त। गाइस देखो कितनी ठंडी है, मेरे को लगता है कि 6 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, 6-10 के बीच में होगा। गाइस तो इतने सारे कपड़ा पहनने के बाद में भी ठंडी लग रही है। तो आज कोई काम वाम नहीं है तो सोचा क्यों ना चला जाए खेत की तरफ और उधर वीडियो शूट किया जाए। ये देखो बहुत ठंडी है भाई, और खेत की तरफ और भी लग रही है, बिकॉज सारे गेहूं में पानी चला है ना, इसकी वजह से हवा बह रहा है तो और ठंडी हवा आ रही है इधर। अभी मैं जा रहा हूं अपने आगे वाले खेत में जो यहां से 200 मीटर दूर है, तो वहां पे चलते हैं गाइस। आगे आपने इस वाले खेत में और सीत पड़ रही है तो गेहूं के लिए बहुत ही अच्छा है, फसल बढ़िया होगी। सीत नहीं हो रही थी तो गेहूं का ग्रोथ नहीं हो रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, बट अब देखो पहले से कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो गया है, अब ग्रोथ हो रही है, सीत पड़ रहा है इसकी वजह से। तो अभी मैं अकेले हूँ खेत में, कोई दिख नहीं रहा है, देखो मेरे चारों तरफ इतनी ठंडी है कि कोई घर से निकल ही नहीं रहा है यार। अब धीरे धीरे देखो, 2 दिन पहले तो धूप हुई थी बट कल भी धूप नहीं हुई थी और आज भी धूप नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स तो आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, मैं ये वाला ब्लॉग नहीं अब से सारे ब्लॉग्स मैं शाम के 7 बजे या फिर 5 से 7 के बीच में कभी भी अपलोड करूँगा, बिकॉज सुबह में इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है, शाम को इसका रीच ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, शाम को इसका इम्प्रेशन ज़्यादा भेज रहेगा इस मेरे वीडियोज़ का, इसलिए मैं शाम को ही वीडियोस अपलोड करूँगा, तो वो मेरे लिए सही रहेगा। तो गाइस फाइनली अपना सारा खेत घूम लिया मैं और अच्छी फसल है, अच्छा लग रहा है ये देखो। और अभी चलता हूँ घर में, बिकॉज और कुछ देर रहा ना यहाँ पे तो जम जाऊँगा, सच में जम जाऊँगा यार, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। गाइस तो आ गए हम अभी रवि के दुकान पे और ये मस्त गाना बजा रहा है, इसके पास एक ठो साउंड है देखो कोने में रखा हुआ है और उसको मस्त बजा रहा है और इंजॉय कर रहा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है। फाइनली आ गया घर खेत घूम करके और देखो इसका देखो गाइस, तो घर आ गया हूँ और ये देखो अभी, अरे लाइन मार लो मैं, ये देखो पानी गर्म हो रहा है, कर रहा है चेक, आज ही का छोड़ दे गाइस। तो फाइनली आ गया घर, अभी मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ, जा रहा हूँ घूमने के लिए और ये ब्लॉग बस घर का ही होने वाला है। वैसे तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का वीडियोस बना सकता था बट नहीं बनाने वाला हूँ। हाँ चलते हैं गाइस, फिर आते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा। गाइस तो फाइनली घूम करके आ गया हूँ, अभी अभी हूँ मैं पवन के साथ इसकी बुआ के घर पर, और गाइस इतना मर्चा रूप रखा है देखो, अभी इसको घूम करके देख रहा है। तो अगर आपको मर्चे की ज़रूरत होगी तो मेरे से संपर्क करना, पवन आपको दे देगा मर्चा, देवे ना पवन। गाइस तो अभी लग रहा है कि सूख रहा है, इसमें पानी चलाना है, इसको सब चेक कर रहा है। ये देखो एक ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा गाइस, 150 पीस मर्चा रोपा है, 150 पीस की कितना पवन,
150 ना, 300 पीस गैस रोपा है अभी सब जमीन में, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें पानी चला करके खाद मारेगा फिर दिखाई देगा। घर आ गया हूँ अभी और देख लो मौसम थोड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है, भाई भी साथ में है। गाइस तो देखो मम्मी जी यहाँ पे बैठी हुई है बिकॉज ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी कुछ कर नहीं रही है, क्या करेंगी भाई, कुछ काम वाम नहीं है, तो मम्मी मेरे साथ में ही बैठी है, पूरी फैमिली यहाँ पे है, दीदी कोचिंग गई हुई है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं चाय बनाने के लिए बिकॉज भूख लगी है मेरे को, सुबह का ही खाना खाया हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं चाय बनाने के लिए। मैं नहीं बनाऊँगा, मम्मी बनाएंगी, मेरे को तो आता है बट मैं नहीं बनाऊँगा, मम्मी खा ली है तो बना देंगी। और अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए वीडियोज़ की, आज वीडियो 7 बजे अपलोड भी करना है, तो पहले एडिटिंग करता हूँ, तब तक मम्मी चाय बना देंगी, उसके बाद पियेंगे मस्त और फिर वीडियो अपलोड करेंगे। गाइस तो देख लो मम्मी को, मम्मी जी सो रही हैं अभी, साला ये देख लो ये सो रही तुझे ठोक, गाइस ये दिखा रहा है मम्मी को, परेशान कर रहा है, अभी एक थप्पड़ लेगा तो नहीं परेशान करेगा, मम्मी जी फुल भोजपुरी में मान जा। अभी बस कैमरा था इसलिए कुछ नहीं सुना है, देख लो यहाँ पे जैकेट है, अगर इस पे थोड़ा सा भी एक चिंगारी आएगा तो 1000 चला जाएगा, 1100 1400 कैसे 1100 गाइस, तो मम्मी को याद है 1400 इसका प्राइस है, तुरंत चला जाएगा बिना कुछ कहे पूछे, 1400 का लॉस, उसके बाद से मैं अपना जैकेट दूंगा नहीं इसको, फिर फटा हुआ पहन करके जाएगा जहाँ भी जाएगा। फ्रेंड्स तो फाइनली एडिटिंग हुई कम्प्लीट, अब करते हैं इस वीडियो को अपलोड और यहीं पर इसे एंड करते हैं, ये 7 मिनट तक का वीडियो हो गया है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, लव यू। Thank you.